आने वाला है आपका फैसला, नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला भी होगा। हमारे साथ खास मेहमान अब मनसुख मंडाविया जी जुड़ गए हैं, जो कि सांसद हैं बीजेपी के, सीधे गुजरात से ही अहमदाबाद हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। मनसुख जी, पहला सवाल आपसे ये, मुझे पता है आप जीत का दावा करेंगे, 117 सीटें आपके जो तथाकथित चुनाव वॉर रूम के जरिए सामने आया है। सवाल ये है कि कांग्रेस ने भी बहुत उम्मीदें लगाई है, तो क्या आप मान रहे हैं कि केशुभाई पटेल बिल्कुल मतलब जीरो लॉस करेंगे आप लोगों को? हमने जो दावा किया है वो एक दो घंटे में खुलेगा। अभी जब काउंटिंग हो ही रहा है और हम जब दावा कर रहे हैं तो हमारा मन में क्लियर था कि हमने गुजरात में विकास की राजनीति की है, हमने गुजरात में हकारात्मक राजनीति की है। हमारा विश्वास हमारी हकारात्मक और विकास की राजनीति के पर था और है, इसलिए हमने कहा है कि अभी जो हमारी सीट थी 117, उससे ज्यादा सीट हमको मिलेगी और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में फिर से चौथी बार सरकार बनेगी। 117 पिछली बार उतनी ही इस बार भी उम्मीद जताई गई है आपकी पार्टी की तरफ से। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि इसी विकास के रास्ते वो दिल्ली तक का रुख करना चाहते हैं, तो खड़ाव रखकर फिर कौन संभालेगा वहां पर? आनंदी बहन, वो सवाल नहीं है। नरेंद्र भाई ने बार बार कहा है, जब विवेकानंद युवा विकास यात्रा थी उसमें भी उन्होंने कहा है, 6 करोड़ जनता का परिवार वो नरेंद्र भाई का परिवार है और उन्होंने कहा है कि मैं गुजरात के लिए समर्पित हूं, गुजरात की 6 करोड़ की जनता की सेवा में मैं अवश्य रहूंगा। इसलिए अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई पहले तो वो अच्छी तरह से जीतेंगे, आज के पोल में जो आज परिणाम आएंगे उसमें बहुत भारी बहुमति से हम सरकार बनाएंगे और नरेंद्र भाई गुजरात की सेवा करते रहे। चलिए ठीक है, आप बताइए हमारे साथ, सीधे रुक करते हैं गोपी मनियार का, हमारी सहयोगी काउंटिंग सेंटर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अब गोपी, अब कुछ ही लम्हों का इंतजार है क्योंकि 8:30 के आसपास तो सारी मशीनें खुलने लगेंगी। जी बिल्कुल अंजना, इस वक्त हम जिस काउंटिंग स्टेशन पर मौजूद है यहाँ पे मणिनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की काउंटिंग होनी है और आप यहीं पे जो समर्थक है बीजेपी कांग्रेस के वो आना शुरू हो चुके हैं, अंदर काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। ईवीएम मशीन के जरिए करीब 9 बजे के आसपास पहले जो राउंड नतीजे है वो आने शुरू हो जाएंगे और साफ तौर पर रुझान आने शुरू हो जाएंगे। करीब 11 बजे तक सारे पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन गुजरात में हैट्रिक लगा पाता है और कौन अपना अस्तित्व बचा पाता है। अंजना बिल्कुल गोपी अब रहे हमारे साथ, इसी पर एक रिस्पांस नलिन जी से लूंगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। गुजरात का सरदार कौन, हमारी विशेष पेशकश जारी है। स्क्रीन के नीचे ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये बहुत तेजी से भागेंगे 8:30 बजे के बाद है, यानी कुछ मिनटों के बाद, क्योंकि आने शुरू हो जाएंगे रुझान।